नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यू थिंग में। दोस्तों आज 8 मार्च 2020 है। 2020 2020 कुछ खास है क्योंकि दिल्ली ने 2020 के दंगे देखे हैं और देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, दिल्ली के पास इतना समय भी नहीं है कि कुछ याद रख सके, क्योंकि आज कोरोना वायरस आ चुका है, लोग इसमें बिजी हो गए। लेकिन ये दंगे क्या वो लोग भूल पाएंगे जिन पे ये बीता था। मैं आप लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और साथ ही ये अपील करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा, आप होली को उसी भाईचारे के साथ मनाएं जिस भाईचारे के साथ हमेशा से मनाते आए हैं, क्योंकि ये दंगा करने वाले किसी धर्म के नहीं थे दोस्तों, किसी मजहब के नहीं थे, ये सिर्फ एक दंगा ही थे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी न्यूज़पेपर में, सचमुच में दंग रह गया। सोचता रहा क्या ये सचमुच किसी धर्म से थे। स्कूल से लौटते हुए 6-7 क्लास के जो बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जो हैवानियत वाला दृश्य हुआ, आप वो चीज सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। हमें क्या कोई धर्म इस चीज की इजाजत देता है? मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये किसी धर्म से नहीं थे, ये सिर्फ दंगई थे जिनका ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था। तो प्लीज इस जो भी कुछ हुआ इसको धर्म में ना देखें, सिर्फ एक दंगे में देखें। और हाँ, हम लोग तो भूल सकते हैं, भूल भी जाएंगे, लेकिन क्या वो लोग भूल पाएंगे जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों देखा, जिन पे ये बीती है, जिन्होंने अपने घर के मेन सदस्य खोए हैं। आज हम उन्हें सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन वो दर्द महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्द उन लोगों ने जिया है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो त्योहार है हमें वही पहले वाले भाईचारे के साथ मनाना है और वही जिंदा दिल्ली की मिसाल देनी है जो हमेशा से देते आए हैं। दिल्ली ना बदली थी ना बदलेगी, दिल्ली सिर्फ दिलवालों की है, ये हमें फिर बताना है लोगों को और ये फिर बताना है। हैप्पी होली सह परिवार सबके साथ, दिल खोल के एंजॉय करें और हाँ, रंगों से दूरी बना के रखें क्योंकि कोरोना वायरस आ चुका है दिल्ली में भी। जय हिंद, जय भारत।